तो भाई डेथ नोट, नरूटो और वन पंच मैन के बारे में तो आप सबने सुना होगा, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमेस जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड हैं, खासकर इंडिया में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं राजगौरव और आज मैं लेके आया हूं 10 ऐसे एनिमेस जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड हैं, स्पेशली इन इंडिया। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट टॉप 50 एनिमेस, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके वो जरूर देखो। बट आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमेस जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है बट दे आर रियली गुड एंड वर्थ वॉचिंग। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। और पहले नंबर पे है टोक्यो मैग्नीट्यूड 8.0। और पहले लुक में तो आपको इस एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल लगेगी, क्योंकि दिस एनिमे इज ऑल अबाउट एक बच्चे के बारे में जो कि अपनी एज से काफी ज्यादा मैच्योर हो जाती है क्योंकि वो एक ट्रॉमा के थ्रू सफर कर रही होती है। प्रीटी कॉमन थीम राइट, बट इस एनिमे में उसको काफी अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और दिस एनिमे टेक्स इट टू अ होल न्यू लेवल। तो भाई ये एनिमे एक स्टोरी है एक यंग लड़की के बारे में, मिराई नाम की, जो कि भाई सीखती है कैसे सरवाइव करना है अपने छोटे भाई के साथ आफ्टर अ अर्थक्वेक दैट हैज हैपेंड, जिसका मैग्नीट्यूड था 8.0। और भाई ये एनिमे जो है बाकी सारे एनिमे इस लिस्ट में उनसे काफी ज्यादा अलग है क्योंकि आपको इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्ट कर लेता है, स्पेशली 2011 में जो अर्थक्वेक हुआ था जिसका मेजर था 9.0। तो भाई काफी ज्यादा डिजास्टर हुए थे, काफी सारी चीजें हुई थी और इस एनिमे में उसको काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। एंड फॉर श्योर दिस एनिमे इज अ इमोशनल राइड जो कि सिर्फ 11 एपिसोड में कन्वे की गई है और काफी अच्छे से कन्वे की गई है। इस एनिमे के थ्रू आप देख सकते हो कि भाई इतने बड़े अर्थक्वेक होने के बाद कैसे लोग सफर करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कितनी रफ हो जाती है उनकी लाइफ, ये सब आपको इस एनिमे में देखना पड़ेगा। एंड आई मस्ट ऑल्सो से दिस वोंट बी फॉर एवरीवन, बट अगर आप इसको एक ट्राई दोगे तो कम से कम आप इसको कॉन्सेप्ट को तो अप्रिशिएट करोगे ही करोगे। तो नंबर 2 पे हमारा है ईडन ऑफ द, एंड दिस एनिमे इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल थीम और यहाँ पे बहुत सारे एनिमेस आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में चाहे बाहर जो कि सर्वाइवल थीम पे बेस्ड हो, बट दिस वन इज डिफरेंट। ये सिर्फ सर्वाइवल थीम पे बेस्ड नहीं है बट ऑन अ सर्वाइवल गेम। तो भाई इस एनिमे की बेसिक कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है एक यंग मैन के अराउंड जिसका नाम होता है अकीरा, एंड ही अलोंग विद 12 अदर कंटेस्टेंट्स जो कि होते हैं वो सारे पार्ट ले रहे होते हैं 10 मिलियन येन के लिए जो कि जापान को बचाने में काम करेगा। और ये जो सीरीज आपको काफी अच्छा मिक्स देती है सर्वाइवल का, पॉलिटिक्स का, साइकोलॉजिकल सस्पेंस का, और कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स अपने अलग अलग चीजों से इफेक्ट होते हैं और कैसे अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग डेवलपमेंट में जाते हैं, कैसे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो काफी ज्यादा अच्छा है सीरीज में। एंड देयर इज सो मच डेप्थ टू द सीरीज एंड इट लीव्स यू एट द एज ऑफ योर सीट। अब मुझे कई बार लगता है काश मैं इसको थोड़े टाइम पहले देख पाता, इसको मैंने 3 या 4 दिन पहले ही देखा है एंड आई रियली विश मैं इसको थोड़े टाइम पहले डिस्कवर कर लेता। और कुछ नहीं तो उसके पहले 2-3 एपिसोड को तो आप एक बार देखो ही देखो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और आप इस एनिमे को स्किप नहीं करना चाहोगे। तीसरा एनिमे है काइबा एंड बी प्रिपेयर टू बेसिकली बी ड्रॉप्ड इनटू द शो, क्योंकि ऐसे ही इसकी स्टोरी काम करती है। और मुझे पता है सबको ये पसंद नहीं आता बट ये शो काफी अच्छा है अगर आप ऐसे शोज देख सकते हो। और इस एनिमे की बेसिक स्टोरी ये है कि यू कैन लिव फॉर एवर बाय स्टोरिंग योर मेमोरी इन अ चिप। तो भाई आप अपनी मेमोरी एक चिप में स्टोर कर दो, पूरे टाइम के लिए जिंदा रह सकते हो जब तक आप चाहो। बहुत ज्यादा कूल लगता है ना, बट शायद ये इतना कूल है। और आप जब ये एनिमे देखोगे तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इस एनिमे का काफी ज्यादा यूनिक स्टाइल है, काफी ज्यादा एक्सपेंडेड वर्ल्ड है और काफी सारी जनरल मिस्ट्री है जो कि हर एक एपिसोड में आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये सब देखना पसंद है तो दिस एनिमे इज अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइस। तो चौथे नंबर पे हमारा आता है डेथ परेड। तो अगर आप फैसिनेट होते हो ऐसे आइडियाज की भाई लाइफ क्या होती है मरने के बाद, तो यू आर गोइंग टू लव दिस एनिमे। तो ये एनिमे उस वर्ल्ड में बेस्ड है जहां ना कोई हेवन है ना कोई हेल, रादर अ बार टू डिसाइड योर फेथ इन द आफ्टर लाइफ। तो भाई ये कम्प्लीटली न्यू टेक लेता है डेथ के बारे में, जैसा कि हमने कार्गो में देखने को मिला था जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप आई कार्ड्स में लिंक आ रहा होगा जाके देख सकते हो। एंड इट इज अ डिफरेंट थॉट बट काफी अच्छी थॉट है और आप एक बार इसको देखना स्टार्ट करोगे ना तो आप अलग पर्सपेक्टिव से देखने लोगे चीजों को। और ये मेरे को लगता है सीरीज ज्यादा को इसलिए नहीं पता क्योंकि काफी डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट करती है, बट एक बार आपको देखना स्टार्ट करोगे और ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज को, क्योंकि इसमें काफी सारी मिस्टीरियस वाइब्स हैं और काफी ज्यादा डार्क स्टाइल में लिखा गया है एनिमे। एंड दिस इज अ रियली कैरेक्टर ड्रिवन शो, तो अगर आपको कैरेक्टर्स के बेस्ड पे एनिमे देखना पसंद है तो आपको ये काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। पांचवें नंबर पे है बिग विंड अप। सो हैव यू गाइस एवर सीन अ स्पोर्ट्स एनिमे डीलिंग विद अ हाई एंशियस प्रोटैगनिस्ट? अगर नहीं देखा है तो ये एनिमे आपके लिए है, इसको जरूर देखो। ये काफी नॉर्मल एनिमे से काफी ज्यादा अलग है, आपको नॉर्मली स्पोर्ट्स एनिमे ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे एंड दिस इज
अ रियली गुड एनिमे। ऑल्दो क्योंकि इसमें काफी सारे एक्साइटिंग स्पोर्ट्स मूवमेंट नहीं है तो इसलिए इसको स्पोर्ट्स एनिमे जॉनरा में लोग काउंट नहीं करते, बट इट इज अ रियली गुड एनिमे एंड यू गाइस मस्ट वॉच इट, क्योंकि भाई इसमें कॉमेडी काफी अच्छे है और स्पोर्ट्स क्लिशे आपको देखने को काफी ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको स्पोर्ट्स एनिमे देखना पसंद है और हल्की सी कॉमेडी देखना पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए ही बना है। छठा एनिमे होगा किड्स ऑन द स्लोप, एंड फॉर एनीवन हु इज इन जैज ये सीरीज आपके लिए ही बनी है और मेरे ख्याल से ये रेडार के अंडर रह गया क्योंकि भाई ये ऑफ सीजन होता है ना एनिमे के आने का, उसमें रिलीज हो गया था तो शायद ये एक मेन रीजन है। ऊपर से जैज म्यूजिक सबको पसंद नहीं आता तो वो भी एक दूसरा रीजन हो सकता है, बट अगर आप उसको कंसिडर ना करो तो इस एनिमे में आपको काफी अच्छा जैज म्यूजिक देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह जिसको जैज म्यूजिक नहीं पसंद है तो आप इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इसको देख सकते हो। इस एनिमे में आपको क्लासिक ड्रामा भी देखने को मिलेगा बट वो इतने अच्छे वे से प्रेजेंट किया गया ना कि वो क्लीशे नहीं लगता। तो इसकी बेसिक स्टोरी ये है कि भाई दो लोग होते हैं, दो आदमी होते हैं, आपस में मिलते हैं, कैसे वो दोस्त बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जैज और उनकी पर्सनैलिटी में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, बट क्योंकि उनको जैज पसंद है तो वो कैसे दोस्ती करते हैं, कैसे पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है, कैसे उनका रिलेशन आगे बढ़ता है, पूरा एनिमे उस पे है। सातवें नंबर पे है फ्लाइंग विच। अगर आप प्लॉट पढ़ना स्टार्ट करोगे या पहले एक दो एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई दिस इज अ लो की स्लाइस ऑफ लाइफ फैंटेसी, बट लाइक ऑल अंडररेटेड एनिमेस इस एनिमे में बहुत कुछ है जो कि आप पहले लुक में नहीं बता सकते। एंड देयर इज नो डाउट दिस इज अ रादर लेड बैक सीरीज सो इट्स एन इजी वॉच, बट ये एक हीलिंग एनिमे भी है जिसमें काफी सारे आपको सुपर नेचुरल और फैंटेसी थीम्स देखने को मिलेंगी विदाउट मेकिंग थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा हैवी ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा या कोई बहुत ही ज्यादा प्लॉट्स ऐसे देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द फैंटेसी साइड, बट ये काफी अच्छा बैलेंस बना के चलता है हर एक चीज में। ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग एनिमे है तो अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे। आठवां एनिमे होगा हेल गर्ल। और देखो भाई जापान में तो ये एनिमे अब नोटिस में आ रहा है, बाकी जगह पे नोटिस में आ रहा है, बट इंडिया में भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों को पता है हेल गर्ल के बारे में, और इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो इट इज श्योरली अंडररेटेड एंड अननोन फॉर मोस्ट पीपल। और उसका मेजर रीजन ये है कि इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े एनिमेज रिलीज हो गए थे तो ये ओवरशैडो हो गया था उसकी वजह से। एंड ये एक हॉरर सीरीज है एंड बीइंग अ हॉरर सीरीज इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग लुक एट पीपल वांटिंग रिवेंज, खासकर जो हमारी हेल गर्ल है जो कि हम कभी भी समन कर सकते हैं फॉर दोज हु विश टू सेंड समवन टू हेल, और किसी भी चीज की तरह इसका भी एक प्राइस है। तो ये एनिमे काफी अच्छे से एक नए कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करता है आपके सामने, कैसे पूरी स्टोरी प्रोसेस करती है वो जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो भाई नाइन्थ नंबर पे आ रहा है हमारा जॉम्बी लोन, जिसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूंगा बट मैं ये बताना चाहूंगा कुछ कुछ वैकी जॉम्बी से रिलेटेड है ये, तो अगर आप समझ गए तो आप समझ गए और नहीं समझे तो जाके ये शो जरूर देखो। और नंबर 10th पे है हमारा एंजल्स ऑफ डेथ। ये एनिमे काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, काफी ज्यादा चिल है और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसको देखने में। इसमें कोई रियल कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, ऐसी कोई इसकी परफेक्ट स्टोरी नहीं है, बट इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा क्रेजी और मिस्टीरियस हैं। तो अगर आपको क्रेजी मिस्टीरियस और एक क्रेजीनेस देखने में मजा आता है एनिमे में तो दिस एनिमे इज फॉर यू। तो गाइस वैसे तो ये टॉप 10 एनिमे थे जो मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहूंगा, बट कुछ एनिमे ऐसे भी थे जो कि मेरे को लग रहा था इस लिस्ट में होने चाहिए या नहीं, मैं उस पर सोच रहा था। उसमें से एक है उशियो एंड टोरा और है वेलकम टू NHK, स्पेस डैंडी, सिल्वर स्पून और प्रिंसेस प्रिंसिपल। तो गाइज ये थे हमारे आज की लिस्ट अबाउट टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड एनिमेज इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है इस लिस्ट में कौन सा एनिमे ऐसा है जो कि आपने देखा हुआ है और आपको लगता है कि वो अंडररेटेड नहीं है, कमेंट्स में जरूर बताओ। और कोई ऐसा एनिमे जो कि आप इस लिस्ट में ऐड करवाना चाहोगे वो भी नीचे जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं लगी तो डिसलाइक करना, पर साथ में कमेंट्स में बताना कि क्या अच्छा लगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू वॉचिंग गाइज एंड एज ऑलवेज पीस आउट।